सब्सक्राइब कीजिए हेल्पफुल लॉसा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल लॉसा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, IRCTC आए दिन अपनी वेबसाइट में कुछ ना कुछ बदलाव किया करता है। दोस्तों, अभी लेटेस्ट आपने देखा था कि तत्काल टिकट बुकिंग करने में कुछ बदलाव हुए थे और अभी कुछ और बदलाव हो चुके हैं IRCTC में। जैसे कि ट्रेन लेट बहुत हो रही थी, आप लोग जानते हैं कि IRCTC से टिकट बुक करते थे या रेलवे स्टेशन से ही टिकट बुक करते थे और 5-5, 6-6 घंटा, यहाँ तक कि 12-12, 24-24 घंटा इंतज़ार करना पड़ता था ट्रेन का। दोस्तों, इस कंडीशन में आप TDR फाइल करते थे, TDR फाइल करने के बाद वहाँ पर स्टेटस सिर्फ पेंडिंग 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 ही दिखाता था, जिसके लिए IRCTC ने नया नियम लागू कर दिया। यहाँ पर IRCTC की वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक नया ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर टू नो TDR रिफंड स्टेटस ऑफ योर PNR। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर ले जाएगा, यहाँ पर आप अपना PNR नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई वेबसाइट पर लेके गया आपको, यहाँ पर PNR नंबर आपसे पूछा जा रहा है और डेट ऑफ जर्नी पूछी जा रही है। यहाँ पर PNR नंबर, डेट ऑफ जर्नी डालकर स्टेटस आप क्लिक करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो आप रियल टाइम स्टेटस देख सकते हैं अपने TDR फाइल का। दोस्तों, IRCTC की तरफ से काफ़ी अच्छी फैसिलिटी ये स्टार्ट की गई है। यहाँ पर आप एग्जिट इसको करेंगे तो ये पेज पर आप देख सकते हैं कि सारे सर्कुलर भी हैं कि ट्रेन टिकट अगर कैंसिल करते हैं या TDR फाइल करते हैं कितना रिफंड होगा, क्या होगा, सारे सर्कुलर हैं। यहाँ पर आप जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं, साथ ही साथ सर्कुलर भी देख सकते हैं कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।